बेशक हम सेनार करवा लें, कपड़े करवा लें, थैंक्सगिविंग करवा लें, लेकिन अगर हमारे मुंह में तोबा नहीं है, तोबा का पैगाम नहीं है। और यह सच है, आज कलीसिया आलमगीर से इब्लीस ने तोबा का पैगाम छीन लिया है। आज लोग तोबा की मनाती नहीं करते, लोगों को कहा नहीं जाता तोबा करे तोबा करे तोबा करे। आज अंतर्राष्ट्रीय सतह पर कहेंगे लव ईच वन, लव एवरीवन, लव योर नेबर, यही कहा जाता है। तोबा की बात ही गोल होगी। इब्लीस ने हमारे बदलों से, सोचों से, हमारे मुंह से तोबा का पैगाम, सलीब का पैगाम छीन लिया है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। हम बेशक किसी भी डिनोमिनेशन से तल्लक क्यों ना रखते हों, लेकिन रिपेंट बेहद जरूरी है। दिस इज द बेस, ये फाउंडेशन है। अगर हम, अगर कोई खादम यीशु की मनाती को पेश नहीं करता है, जॉन बैप्टिस्ट की मनाती को पेश नहीं करता है, जॉन बैप्टिस्ट ने यही करा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और फिर उसने कहा दरख्तों की जड़ पर कल्हाड़ा रखा है, इसलिए जो दरख्त अच्छा फल नहीं लेता, वो कहता है तुम्हारी पहचान, तुम्हारी तौबा की पहचान, तुमने जिंदगी तब्दील किया इस बात से होगी कि तुम्हारी जिंदगी में फल है कि नहीं है। कैसे चेक करें? गलतियों के खत में फलों के बारे में लिखा है कि हमारी तोबा सच्ची है या आरसी है या टेम्परेरी है या बस दगा रोड़ा है। कैसी हमारी तोबा है? वो यूहन्ना ने कहा कि अगर तुम्हारी तोबा इस बात से चेक होगी कि तुम्हारे अंदर फ्रूट कितना, तुम्हारी खिदमत कितनी है, तुम्हारा फ्रूट कितना, अगर फ्रूट है तो तुम्हारी तोबा सच्ची है, अगर फ्रूट नहीं है तो फिर कल्हाड़ा तुम्हारी छड़ पर, फाउंडेशन पर रखा है, एक दिन चलेगा और सब कुछ कट जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा।